सुबह के नाश्ते के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही बढ़िया पराठा है, एक बार जरूर बना देख जो। टेस्टी होगा के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, इन्हें बना भी बहुत आसान है। इसके लिए आप लहसुन और अदरक लेवा, इन्हें कूट लेवा, हरी मिर्च लेवा, इनका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेवा, इन्हें भी कूट लेनी है। इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देवा, 1 चम्मच जीरो डाला, सारी चीजें दरदरों कूट लेना और फिर एक प्लेट में निकाल लेवा। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल देवा, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देवा, छोटी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी डाला। अब इसमें पनीर डाल देवा, सारी चीजें अच्छे से मिला देवा। अब गेहूं को आटो लेना हो, इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देवा, अजवाइन हाथ में मसल डाल देवा, थोड़ा थोड़ा पानी डाला और आटो गूंद तैयार कर लेवा। अब इससे थोड़ा सा आटो लेवा और लोई बना तैयार कर लेवा, बेल रोटी बना लेवा, घी लगा देवा और जो मसाला तैयार करे वो अंदर भर देवा। जो नॉर्मल आप पराठा बनाओ वही तरीका हम पराठा बना लेवा। हल्का हाथ बेल लेवा पराठा ने। अब तवा गरम कर लेवा, इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेवा। बहुत ही बढ़िया पराठा बन तैयार हो गए, एक बार जरूर बना देख जो। इन्हें चाय के साथ, दही की मिर्ची के साथ में जो तेने पसंद हो भी के साथ खा सको, बहुत ही बढ़िया लगे।